अभी तो देखूं मेरी रिया कैसी लग रही है। क्या हुआ रिया, तू फिर से उदास हो गई? कुछ सोच रही है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? अभी तक तैयार नहीं हुई? इतनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर ना लग जाए। ला तेरा ना नजर उतार देती हूँ। रिया, जिस तरह तूने हमारे घर को अपनी मुस्कुराहटों से रोशन किया है ना बेटा, वैसे ही अपने ससुराल को भी आबाद करना। तुझे कितना प्यार करने वाला पति मिला है, मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई। पता है, बस अपने ससुराल को भी ऐसे ही सवार कर रखना। माँ, काश मैं आपको बता पाती कि मैं उस घर को सवारी नहीं, उस घर की सुख शांति छीनने जा रही हूँ। इसीलिए आशीर्वाद दो, उस घर में जाकर कमजोर न पड़ूं, अपने माँ बाप को न्याय दिला पाऊं। अच्छा सुनो, अब तुम लोग ना सब बाहर जाओ, रिया को फेरे के लिए और पूजा के लिए काफी देर बैठना है, तो इसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। चलो चलो, मेहमान भी आते होंगे ना। चलो रिया बेटा, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ माँ, यही रुक जाओ ना। रिया अब रुकी ना तू। अरे राघव बेटा, तुम यहाँ? आंटी, मैं 2 मिनट के लिए रिया से कुछ बात करना चाहता हूँ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बर्बादी के लिए सच धज के काफी अच्छी लग रही हो तुम। नाइस। दरअसल रिया, ये बात दर्पण, दर्पण एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं मुझे गणेश दिखाई नहीं दिया। You know what, राघव? तुम मेरे भाई को अच्छे से नहीं जानते हो और ना ही हमारे बंधन की ताकत को पहचानते हो। तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई अपनी बहन की शादी में नहीं आएगा? So sorry, you're wrong. मेरा भाई अपनी बहन की शादी में आएगा भी और कन्यादान भी करेगा। ऐसे ख्याल दिल को बहलाने के लिए अच्छे है दर्पण, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर गणेश यहाँ आ भी गया तो तुम्हारा कन्यादान करने से पहले वो इस दुनिया से ही दान हो जाए। बाबा, एक गोली लगेगी गणेश को और दूसरी गोली तुम्हें। पिछली बार तो बाबा ने पहचाने में गलती कर दी, इस बार गलती नहीं करेंगे। अब तो जो होगा सो होगा राघव। मैं ये तो नहीं जानती मेरा भाई कैसे आएगा, पर इतना जरूर पता है मेरा भाई गणेश आएगा जरूर।